हाय स्टूडेंट्स, एडमिशन अब पटना का पहले आपको तीन वीडियो जा चुका है, ये आप लोग का चौथा वीडियो है, एक लास्ट वीडियो है और सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें बहुत ऐसा जो मिलेगा ना जो कि ऑब्जेक्टिव आपको हेल्प करेगा। आते हैं और एक बार फिर से बता दें, आप लोग वीडियो देखने के बाद कॉपी में जरूर नोट कर लेना, यही आपको बेनिफिट होगा। चलिए देखिएगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, सेम प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2:1। ए बी सी आपको तीन को पार्टनर है और तीनों का रेशियो दे दिया कितने से, 3:2:1। दे एग्री टू एडमिट डी इनटू द फर्म, अब इलो शामिल किसको किया, डी को इनटू द फर्म, समझ में आ गया। आगे देखिएगा, ए बी एंड सी एग्री टू गिव 1/3, 1/6, 1/9 शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट। अब ए बी सी डिसाइड किया कि अपना प्रॉफिट का 1/3, 1/6, 1/9 किसको देगा, डी को देगा। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डी विल बी, अब बताइए डी का प्रॉफिट क्या होगा, बहुत आसान है, ऑप्शन में दिया 1/10, 13/54, 12/54, 10/55। बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा आपको देखना होगा। देखिए पहले से कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी, इसका रेशियो कितने से है इतना। अब इलो डिसाइड किया कि अपने शेयर का 1/3, 1/6, 1/9 किसको दिया जाए, डी को दिया जाए। तो चलिए निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। देखिएगा ये कितना दिया, डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखे लिखा है कि इतना इतना ऑफ देयर प्रॉफिट, मतलब ए का कितना है, देखो 3/6, इसका ए कितना दे रहा है 1/3, यही दे रहा है ना, चाहो तो इसको कट भी कर सकते हैं। इसका मतलब ए ने कितना दिया, ए दिया 1/6। इसी तरह से बी देख लेंगे, बी कितना दिया, बी का कितने से है 2/6, इंटू कितना कहेंगे 1/6, इसको कट कर देंगे कितने बाय में, 3/3, इसका मतलब कितना 1/18। अब बताओ सी कितना दिया, अब चलते हैं सी पर, सी का शेयर कितना है 1/6, कितना दिया 1/9, मल्टीप्लाई कहेंगे तो कितना होगा 1/3। अब देखो ए दिया इतना, बी दिया इतना, सी दिया इतना, अब तीनों को प्लस कर देंगे तो देखो डी को कितना मिलेगा, यहाँ पर हम कह देते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है। देखिएगा ए कितना दिया 1/6 और बी कितना दिया 1/18 और ए कितना दिया, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 54, इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 9, इसको कहेंगे तो 3 और ये कितना होगा 1, ये तीनों को ऐड कर लो तो कितने से आपको आ जाएगा 13/54। देखिए आपका सही आंसर 13/54। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी, बहुत आसान आपका है। चलिए अगला पॉइंट, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग इन शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, बोला कि यदि कोई भी न्यू पार्टनर गुडविल का रुपया नहीं लाता है इन कैश में, द अमाउंट इज डेबिटेड टू, तक अमाउंट को किस में डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट नहीं, प्रीमियम अकाउंट नहीं, कैपिटल करेंट अकाउंट, आपका कौन सा ऑप्शन सही है। यदि कोई भी पार्टनर गुडविल का रुपया नहीं लाता है तो उसको चाहे तो करेंट अकाउंट में डेबिट करो, समझ में आ गया, इसमें कैपिटल करेंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, अगला कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, ये नहीं होगा। सही आंसर कौन सा होगा, सी नंबर। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इट विल बी, बोला कि एडमिशन के समय यदि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगा तो कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपका सही आंसर क्या होगा, डेबिट। आप लोग तो जान ही रहे कि जब भी कोई पार्टनर्स, जब भी कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होता है तो उसका एंट्री क्या होता है, याद होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, ये तो सब एंट्री भी बताए हैं एक के कह कह के, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट,
फोन नंबर देखिएगा, ए बी आई पार्टनर्स, सी एजेंट लिमिटेड विथ 1/5 शेयर, सी ब्रिंग 1,20,000 एज ही शेयर टुवार्ड्स कैपिटल, द टोटल नेटवर्थ द टेटन द बोला है कि टोटल नेटवर्थ ऑफ द फर्म इज, देखो पहले से दो पार्टनर है ए बी सी, सी एडमिट हुआ कितने के लिए 1/5 के लिए, और सी कैपिटल के रूप में कितना लाया 1,20,000, तब बोला कि टोटल पूरे बिजनेस का नेटवर्थ क्या होगा, तो याद करो आप लोग का हम ट्रिक बताए थे कि सी कितना लाया 1,20,000, और इसका रेशियो कितना दिया है 1/5, तो बताए थे कि सीधे पलट के गुना कर दो, खटाखट इसको पलट के गुना कर दो, कितने से आ गया 12,50,60 है, 6,00,000 आ गए आंसर, पूरे फर्म का बोला है, तो सी जीतने के लिए लाया है कितने शेयर के लिए 1/5, तो सीधे पलट के गुना कर दो, यही पूरे फर्म का हो गया। अब देखो 6,00,000 कहाँ ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर डी। अगला पॉइंट, डिक्रीज इन द लाइबिलिटी इज, बोला कि जब लाइबिलिटी में कम होगा तो क्या होगा, लाइबिलिटी लॉस एक्सपेंस गेन, आपका सही आंसर क्या है, देखिए आप लोग का देखिएगा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का हमने जितना कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था सब हमने समाप्त कर दिया, सारे क्वेश्चन देखने के बाद कमेंट में जरूर मेंशन भी करना, इसके अलावा भी कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर बोलना, ठीक, सभी को थैंक यू।